नमस्कार, मैं अरिन कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल सी के साथ। अब वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोने से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। बता दें, सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है। मौसम विभाग की वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा है कि यूपी और खासकर वेस्ट यूपी में हीट वेव जारी रहेगी, लेकिन ईस्ट यूपी में आज के बाद हीट वेव नहीं रहेगी। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने बताया है कि मध्य भारत और पूर्वी भारत में एडवांस मानसून की स्थिति पैदा होगी। हीट वेव की स्थिति काफी हद तक निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक दो इलाकों में 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति जारी रहेगी। पंजाब हरियाणा में हीट वेव की चेतावनी नहीं दी गई है। कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 3 से 4 दिन भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 23 और 24 को आइसोलेटेड हीट होने की संभावना है। पर अगली खबर आ रही है मेरठ से, जहां मेरठ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान होने के बाद भाजपा मंथन में जुटी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में बैठक के दौरान गुटबाजी सामने आ रही है। ऐसा भाजपा में पहली बार देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में इतना नुकसान हुआ है। पार्टी में इस तरह की गुटबाजी पर हाईकमान बेहद नाराज है। ऐसे में हर लोकसभा वार समीक्षा कर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से अलग अलग बात की जा रही है। और अगली खबर आ रही है बाराबंकी से, जहां बाराबंकी में ड्यूटी से लौट रही एक महिला आईएएस अफसर की गाड़ी से नीली बत्ती उतरवाना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। घटना बुधवार की रात की है। लेडी आईएएस अफसर दिव्या सिंह ड्यूटी से लौट रही थी। गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था, तभी पटेल तिराहे पर कुछ पुलिसकर्मियों ने लेडी अफसर की गाड़ी को रुकवाया, फिर उनकी गाड़ी में लगी नीली बत्ती को उतरवा दिया। उन्होंने वीडियो भी बनाया, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो मामला डीएम तक जा पहुंचा। उन्होंने एसपी निर्देश कुमार सिंह से इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। एसपी ने आईएएस दिव्या सिंह की गाड़ी से नीली बत्ती तुड़वाने वाले उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा और उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अधिकारियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। यूपी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइडलाइंस बनाई है। आदेश में कहा गया है कि मीडिया में जिसको बोलना है पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी। सोशल मीडिया के लिए भी नियम तय किए गए हैं। नया शासन आदेश कल रात जारी किया गया, जिसमें सख्ती से कहा गया कि आचरण नियमावली का पालन करें। आदेश दिया गया है कि बिना मंजूरी लिए अखबारों में लिखे ना, टीवी रेडियो में ना बोले, सोशल मीडिया पर भी ना लिखे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।